गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। जैसा कि आपको पहले मैंने लेक्चर बनाए थे, उनमें आपको फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर कराया और सेकंड यूनिट का आपको सेकंड यूनिट कंप्लीट करा दी। उसमें क्वेश्चन आंसर रह गए थे, अपने हार्ड वर्ड्स हो चुके थे सेकंड यूनिट में। ये आपकी बुक है, आपके पास होगी बुक, जिनके पास नहीं है वो परचेज कर लेंगे, ठीक है। उसमें आपका सेकेंड चैप्टर था ग्रोइंग अप, वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया और उसके हार्ड वर्ड्स भी कराए थे, ठीक है। अब उसके बाद अपने क्या बच रहे हैं, क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर है चूज एंड टिक द करेक्ट आंसर, ओके। तो हम यहाँ रीड आउट करेंगे, उसके बाद हम ब्लैक बोर्ड पर उसके आंसर करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वन, ओके, मैं यहाँ ब्लैक बोर्ड पर समझा दूँ, लुक हियर। क्वेश्चन नंबर वन, ऑल लिविंग थिंग्स, कल हमने रीड किया था, ऑल लिविंग थिंग्स क्या करती है बेटा, हम ऑल लिविंग थिंग, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, ग्रोइंग अप, तो ऑल लिविंग थिंग्स क्या करेंगी। आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपके इस बुक में, उसमें से आप रीड करना, आपको तुरंत पता लग जाएगा कि ऑल लिविंग थिंग्स क्या करती है, ग्रो करती है। तो आप यहाँ पर क्या फिल करेंगे, ग्रो, ओके, गॉट इट। नेक्स्ट, द एल्डेस्ट, एल्डर माने होता है बड़ा, कल हमने पढ़े थे ना, पहले हम छोटा बेबी होते हैं, फिर उससे स्मॉल बॉय बनते हैं, फिर हम एडल्ट में बन जाते, कन्वर्ट होते, फिर हम ओल्ड मैन। तो द एडल्ट, वो सॉरी, द एडेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली इज, हमारी फैमिली का सबसे बड़ा, मतलब एक तो होता है एडल्ट और एक होता है एल्डेस्ट, मतलब सबसे बड़ा, जो ईएसटी लगता है ना, इसका मतलब होता है सबसे बड़ा, जो घर में हमारे सबसे बड़ा है। अब आपसे बड़े आपके फादर हैं, फादर से भी कोई बड़ा है ना आपके घर में, वो आपके ग्रैंड फादर होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ा, एल्डेस्ट, एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, आपकी फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर कौन है। तो आपको पता है कि आपके फादर से भी बड़े कौन है, आपके ग्रैंडफादर। तो आपकी इस बुक में चार ऑप्शन दिए हैं, आप इनको रीड करेंगे और इनकी मीन्स भी एक बार बता देती हूँ आपको। देखो, इन्फेंट, इन्फेंट किसको बोलते हैं, जो छोटा बेबी होता है उसको न्यू बॉर्न बेबी बोलते हैं और इन्फेंट भी बोलते हैं, ओके। ग्रैंडफादर जो आपके एल्डेस्ट मेंबर में आते हैं, ओके। थर्ड, फादर और नन ऑफ दीज का मतलब होता है कोई भी नहीं, उस जो मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था, नन ऑफ दीज माने तो कोई भी। तो यहाँ पर एल्डेस्ट मेंबर कौन है हमारी फैमिली का बेटा, ग्रैंडफादर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्रैंडफादर, ओके। हमारी फैमिली का सबसे बड़े कौन होते हैं हमारे मेंबर, दादाजी सबसे बड़े होते हैं ना, इसलिए वो एल्डेस्ट मेंबर में आ गए। अब है क्वेश्चन नंबर बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए उनके हमें आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज सीडलिंग, सीडलिंग क्या है, कल हमने चैप्टर के थ्रू पढ़ा था, आपने चार्ट के थ्रू भी पढ़ा था कि सीडलिंग क्या होता है। सीडलिंग में सबसे पहले छोटा एक सीड होता है, जो मैंने आपको पिक्चर के बना के भी बताया था और चार्ट भी समझाया था, पहले सबसे छोटा सीड होता है, सीड से छोटा एक बेबी निकलता है या सीडलिंग बनता है, फिर उससे प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो ग्रो कर रहा है, और हमारे चैप्टर का नाम भी क्या है, ग्रोइंग अप, ठीक है। और उसके बाद वो किसमें हो जाता है, ग्रो करते करते स्टेज उसकी बढ़ती जाती है, वो किसमें हो जाता है, ट्री में, आपने पढ़ा था। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज सीडलिंग, वो सीडलिंग कैसे बना। अ सीडलिंग इज अ बेबी ग्रोन, मतलब एक छोटा बेबी होता है, जैसे ये सीड है, ये छोटा सीड होता है, ये मिट्टी है, सॉइल आपकी, जब इसमें वाटर जाता है, इधर से वाटर डालेंगे, ये कल आपको मैंने उसमें बताया था आपकी जब डायग्राम वगैरह बना के। अ सीडलिंग इज अ बेबी ग्रोन, एक छोटा से सीड से बनता है, फ्रॉम अ सीड, एक छोटे से सीड से क्या बन जाता है, जब इसमें हम पानी डालते हैं, यहाँ से वाटर जाता है, तो ये एक छोटा सा अंकुरित हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हम सीडलिंग, जब वो अंकुरित हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं सीडलिंग, ओके, गॉट इट। सेकंड, व्हाट इज बर्डलिंग, अब ऐसे जैसे आपने सीडलिंग करा ना, पहले सीड आया, फिर सीड से सीडलिंग बना, फिर प्लांट बना और फिर ट्री बना, तो अब ऐसे ही वो बेबी बर्ड कैसे, बर्डलिंग कैसे बनेगा, बर्डलिंग कैसे बनेगा, छोटा सा एक एग होता है, एग के अंदर होता है छोटा चूजा, जिसको बोलते हैं हम छोटा बेबी, बेबी है ना। अब जब ये एग है ना, जब पक जाता है तो ये दो भागों में ऐसे टूट जाता है, ये टूट जाता है, ऐसे क्रैक हो जाता है, टूट जाता है, इसका जो चूजा होता है ये बाहर आ जाता है। फिर जो बेबी होती है ना, जो बर्ड होती है, ये इसको नेस्ट में रखती है, कहाँ पर, जो ट्री होता है ना, ट्री होता है, ट्री के ऊपर ऐसे नेस्ट बनाती है और उसके अंदर इसको रख देती है। ये जो प्रक्रिया कहलाती है, ये बेबी बाहर निकलना, ये कहलाती है हैचलिंग, और हैचलिंग किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बर्ड में, जब वो बाहर निकल जाता है छोटा बेबी, तो वो क्या कहलाता है, बर्डलिंग। क्योंकि इसकी भी ऐसी स्टेज है, पहले छोटा बेबी एग के अंदर होता है, जब एग हैचेज हो जाता है, पक जाता है, तो वो फूट जाता है, ऐसे जैसे देखो अलग पार्ट हो जाते हैं, फिर ये छोटा बेबी आ जाता है,
फिर बर्ड फीडिंग कराती है उसको, जैसे आपकी मम्मा आपको मिल्क पिलाती है, फूड करा खाना खिलाती है, ऐसे इसको बड़ा होने के लिए उसकी मदर है ना, बेबी मदर, बेबी मदर, तो वो क्या करती है, जो बर्ड मदर है वो क्या करती है, अपने बेबी को फीडिंग कराती है, चीजें खिलाती है जो वो खाती है, बर्ड्स छोटे छोटे दाने खाते हैं तो वो उनको खिलाती है, और इससे फिर वो क्या किस में कन्वर्ट करती है, बर्डलिंग में, ठीक है। तो अ हैचलिंग इज अ बेबी बर्ड दैट जस्ट हैच, मतलब जब वो जस्ट हैच मतलब पक जाता है अंडा, फ्रॉम एन एग, एग माने अंडा, अंडे से जब वो पक जाता है तो वो जब टूट जाता है, क्रैक हो जाता है, आपने देखा होगा छोटा सा अंडा, जब आपके छोटे से चिड़िया के बच्चे होते हैं जब वो फूट जाते हैं तो छोटे छोटे चूजे निकलते हैं, और वो जब बर्ड जो बर्ड होती है ना वो अपने चूजों को एक नेस्ट में रख देती है, और फिर जब वो बर्ड बड़ी हो जाती है तो ये जो प्रक्रिया होती है नेस्ट में जाने की, ये प्रक्रिया होती है, ये बर्डलिंग कहलाती है, ठीक है। ऐसी अपनी हाइट को अपने चैप्टर में अपन पढ़ रहे थे ग्रोइंग अप, तो ये सब कैसे ग्रो करते हैं, कैसे बड़े होते हैं, कैसे अपनी स्टेज को वन बाय वन अपने स्टेज को ऊपर ऊपर करते जाते हैं, अपनी छोटे से बड़े बनते जाते हैं, वो हमने इस चीज इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। पहले हम सीडलिंग का कर लिया, अब बर्डलिंग हो गया, ठीक है। व्हाट इज योर एज नाउ, अब इसने पूछ रहा है आपकी एज क्या है अभी, नाउ माने अभी, जस्ट व्हाट इज योर एज नाउ, आपकी एज पूछ रहा है वो, है ना। तो माय एज, क्यों, क्योंकि वो आपकी पूछ रहा है तो आप आंसर ऐसे तो दोगे माय एज इज। अब बेटा यहाँ पर जो आपकी एज है ना प्रेजेंट में, आप जितने भी साल के हो, 6 के हो, 7 के हो, 8 के हो, वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, ओके। उसके बाद ईयर और फुल स्टॉप लगाएंगे, गॉट इट, समझ में आ गया, जितने साल के आप यहाँ हो वो आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द एज ऑफ योर फादर। अब देखो यहाँ तो उसने आपकी क्वेश्चन में क्या पूछा, आपकी एज पूछी, अब यहाँ 4 वाले में क्या पूछा, व्हाट इज एज ऑफ योर फादर, आपके पापा की एज, आपके पापा है ना, आपको पता होगा, नहीं पता तो आप अपने पापा से पूछना, पापा आप कितने कितने ईयर के हो गए, आपके कितने साल को हो गए हो आप, तो आप यहाँ क्या लिखोगे आंसर में, आंसर डालोगे पहले माय फादर एज इज, अब अपने पापा की एज पूछना और वो यहाँ पर लिखना, और कैसे लिखोगे आप, पूरा ऐसे लिखना जैसे आप 5 के हो तो FIVE, ठीक है, आपको ऐसे नहीं लिखना है 5, ऐसे नहीं लिखना, आपको पूरा लिखना है FIVE 5, ठीक है, ओके। ऐसे आपको अपने पापा की जितने के आप 30 के 40 के वो आपको नंबर नेम में, जैसे आप मैथ में करते हो ना नंबर नेम, उसमें लिखनी है, ओके, गॉट इट। आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, सेकंड आंसर द फॉलोइंग, ओके। आप क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगी, उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो भी वर्क है ना आपका बेटा, आप कॉपी में करेंगे और सुंदर सुंदर नीट नीट उसके ऊपर चैप्टर का नाम मेंशन करेंगे, ग्रोइंग अप, आपकी सेकंड चैप्टर ना फर्स्ट यूनिट का ग्रोइंग अप, तो आप अपने चैप्टर का नाम लिखेंगे यहाँ पर, ये जो हमारा चैप्टर है यहाँ पर ऐसे चैप्टर डाल के चैप्टर 2 और यहाँ पर अपना चैप्टर का नाम। अब क्वेश्चन नंबर सी, हमने कितना कर लिया, क्वेश्चन नंबर ए कर लिया और बी कर लिया, कंप्लीट हो गए हमारे, अब हम क्वेश्चन नंबर सी, अब मैं आपको रीड करूंगी बुक से, फिर मैं आंसर आपको ब्लैक बोर्ड पर कराऊंगी, ओके बेटा, गॉट इट। अपनी बुक खोल लीजिए, पेज नंबर है 11, लुक हियर, ठीक है बेटा, इधर देखो, लुक हियर, आपका पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों मैंने आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दिए, आप अपनी कॉपी में नीटली वर्क करेंगे सुंदर सुंदर। अब क्वेश्चन नंबर 3, लुक हियर, पेज नंबर निकालो अपनी बुक में, पेज कितना है 11, ओपन करो बेटा, अब मैम के साथ साथ आप रीड करेंगे और इसके आंसर मैं बोर्ड पे कराऊंगी, ओके, गॉट इट। फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर सी क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद गिवन वर्ड, यहाँ वर्ड दिए हैं, हेल्पिंग बॉक्स दिया है जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया। फर्स्ट, अ सीडलिंग ग्रोज into a fully grown, एक सीडलिंग छोटा, देखो सीड, सीड किसको, ये हमेशा याद रखना कि सीड किससे बनता है, किसके लिए कन्वर्ट होता है, सीड से क्या बनता है, प्लांट, और बर्ड किससे बनती है, जो हैचलिंग होती है उससे बढ़ती है बर्डलिंग, ये याद रखना, ओके बेटा। और बेबी जो होते हैं वो किनसे जब बड़े होते हैं तो क्या बनते हैं, ह्यूमन, ये 3 कैटेगरी है अपनी, ओके। तो सीडलिंग, सीडलिंग ग्रो इनटू अ फुली, जब सीड है ना जब बड़ा हो जाता है तो किस में कन्वर्ट होता है बेटा, प्लांट। अब देखो इन सब में हेल्पिंग बॉक्स में आप देखोगे जब रीड करोगे तो आपको तुरंत पता लग जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, फर्स्ट का क्या आएगा आंसर, प्लांट। सीड किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, प्लांट में, आपको पिक्चर बताई थी ना। सेकंड, अ सॉरी एन एग हैचेस इनटू अ स्मॉल, जब हैचेस होता है देखो, जब इसमें ये अंडा पक जाएगा जी एग, तब ये बाहर निकलता है, ये हैचलिंग कहलाती है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, जब बाहर निकल जाता है बेबी तो बर्डलिंग, जैसा कि हमने क्वेश्चन में भी अभी पढ़ा है, बर्डलिंग पढ़ा है ना, हैचेज होता है। तो सेकंड का क्या आएगा, बर्डलिंग, सेकंड का आंसर क्या होगा बेटा, बर्डलिंग। थर्ड,
When we are born, जब मैं जन्म हुआ, मेरा जन्म हुआ, you, we are, जब मैं कैसा था, जब मैं छोटा बेबी था, मेरा जन्म हुआ तो मैं कैसा होऊंगा, बेबी ही तो होऊंगा। बहुत सारे बेबी जन्म लेते हैं तो पहले क्या होते हैं, वो छोटे तो होंगे, फिर धीरे धीरे वो अपनी स्टेज में ग्रो करते हैं। तो थर्ड का आंसर क्या आ जाएगा बेटा, बेबीज। थर्ड में क्या फील करेंगे, बेबीज। अब फोर, चिल्ड्रन ग्रो अप एंड बिकम। अब देखो, जब छोटा बेबी होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, और फिर जब ग्रो करते जाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, किस में अपनी स्टेज को ग्रो करते करते क्या बन जाते हैं, वो एडल्ट। तो फोर्थ वाले में आंसर क्या लिखेंगे हम, एडल्ट। एडल्ट माने बड़े होते हैं, और फिर जब और ग्रो करते हैं तो हम किसकी कैटेगरी में आते हैं, ओल्ड मैन की कैटेगरी में। एडल्ट के बाद ओल्ड मैन होते हैं, जैसे आपके फादर के बाद दादाजी आते हैं। समझ में आया बेटा? अब हाँ, लुक एट दिस। अब आपका क्वेश्चन नंबर सी हो गया कंप्लीट। मैंने बुक से आपको पढ़ के रीड आउट करा दिया, आंसर आपको फिल करा दिए। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सी। पेज टर्न करो बेटा, टर्न योर पेज, पेज नंबर आपका 12। ओके, अब देखिए, राइट टी माने ट्रू और एफ माने फॉल्स स्टेटमेंट होता है, जो ये पढ़ते हैं ना वो स्टेटमेंट होता है। मैं रीड कर रही हूँ, मेरे साथ रीड करेंगे आपके। ओके, अ बेबी कैन लुक आफ्टर हिमसेल्फ। हम कल हमने चैप्टर पढ़ा था, क्या एक छोटा बेबी अपनी खुद देखभाल कर सकता है? नो। पढ़ा था ना, उनकी देखभाल कौन करता है, उनकी मदर करती है, उनके पेरेंट्स करते हैं। तो बताओ ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा बेटा, बताइए। सबको पता लग गया होगा कि ट्रू आएगा या फॉल्स। तो फॉल्स, क्यों? क्योंकि उनकी मदर करती है, वो खुद नहीं कर सकते। तो फर्स्ट में हम आंसर क्या भरेंगे बेटा, एफ। एफ माने फॉल्स, और हमें शॉर्ट फॉर्म ही लिखनी है। ओके, सेकेंड, यंग बॉय हैज लेस वेट देन अ बेबी। एक यंग बॉय होते हैं, आपने पढ़ा था ना, पहले छोटा बेबी होता है, फिर बड़ा बेबी होता है, फिर एक यंग बॉय बनता है। तो उसका वजन, वेट माने वजन, क्या छोटे बेबी से कम होगा? नो, गलत हुआ ना ये। तो सेकंड में भी हम क्या करेंगे, फॉल्स, गलत, यानी ये गलत कह रहा स्टेटमेंट। थर्ड, ओल्ड मैन नीड हेल्प। अब आपको पता है कि जो ओल्ड मैन होते हैं, जो आपके दादाजी हैं, बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, ओल्ड मैन का मतलब बुजुर्ग व्यक्ति, उनको आपकी हेल्प की जरूरत होती है ना। वो कई काम ऐसे हैं तो जो नहीं कर पाते हैं, जैसे कई बुजुर्ग चल भी नहीं पाते हैं, उनको आपके कंधे की जरूरत होती है, आपके हैंड की, सहारे की जरूरत होती है, या कुछ ओल्ड मैन आपके, जो आपके घर में दादा दादी जी हैं, उनको खाना लाने में या और भी कुछ चीज लेने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, तो उनकी हेल्प करते हैं, उनको जरूरत होती है ना हेल्प की। तो इट इज ट्रू, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ओल्ड मैन को हेल्प की जरूरत होती है ना, तो यस। तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू। थर्ड वाले में क्या भरेंगे बेटा, आप फिल करेंगे ट्रू। फोर, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। अभी ये तो हमने अभी ही पढ़ा है, देखो ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, तो क्या हुआ, फॉल्स होगा क्या? नो, ट्रू होगा, क्योंकि सारी लिविंग थिंग्स होती है वो ग्रो करती है धीरे धीरे धीरे, स्टेज बाय स्टेज। फोर, अ बेबी, अ बर्ड इज बॉर्न फ्रॉम एन एग। अब देखो, जो एग है ना, एग, एग इससे सीड तो जन्म नहीं लेता ना, बॉर्न, सीड होता है क्या बॉर्न? नो, इससे, इसमें कौन है ये बॉर्न हो रहा है, जो ये कौन है, ये बर्ड है। तो सही है या गलत है, एग से तो बर्ड ही होती है ना, तो इट इज ट्रू, ये ट्रू हुआ ना, सही हुआ ना। ओके, कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर डी कंप्लीट। अब आपका बच्चा क्वेश्चन नंबर डी, लुक एट, मैच द कॉलम, ठीक है, सीड। अब सीड है ना, सीड, अब आपको पता है सीड किससे, सीड किसमें कन्वर्ट अपनी को ग्रो करता है, तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एक छोटा सा सीड किसमें बन जाता है, प्लांट में, प्लांट में बन जाता है ना, प्लांट बन जाता है बड़ा, छोटे से सीड से बनता है ना। तो फर्स्ट वाले में, फर्स्ट किससे मैच करोगे आप, बी वाले से, यानी प्लांट, ठीक है। सेकंड, एन एग। अब आप ये तो बहुत आपको रिमेम्बर हो गया होगा कि एग से क्या बनता है, एग से क्या बनाइए, देखो बर्ड, बर्ड बनी ना, तो सेकंड का क्या आएगा आंसर, ए, ए से मैच करेंगे। ओके, अब थर्ड, व्हाइट हेयर। अब व्हाइट हेयर किसके होते हैं, हमारे तो नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि हम तो अपनी अभी स्टेज और ऊपर करेंगे, हम धीरे धीरे और बड़े होंगे, और व्हाइट हेयर किनके हो जाते हैं, जो हमारे ओल्ड, जो हमसे बूढ़े, मतलब बहुत उम्र में ज्यादा होते हैं, उन व्यक्तियों के बाल हम व्हाइट हो जाते हैं, और हमारे बाल ब्लैक होते हैं। जैसे हम बड़े होते जाएंगे तो हमारे जो हेयर का कलर है ना, वो चेंज हो जाएगा। तो हमारे ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर होते हैं, उनके हेयर कैसे हो जाते हैं, व्हाइट हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ओल्ड मैन, यानी आंसर नंबर डी, थर्ड का कौन सा होगा, डी। समझ में आया बेटा, गॉट इट? आपको ऐसे मैच करना है जैसे आप मैच करते हैं। अब मैम ने यहाँ मैच नहीं कर रही, क्योंकि आपका डायरेक्ट आंसर लिख रही है, आप उसमें रीड करोगे, फर्स्ट को बी से मैच करोगे, सेकंड को ए से मैच करोगे, थर्ड को डी से मैच करोगे, ठीक है। अब फोर, फोर वाला है सिक्स ईयर ओल्ड। अब सिक्स ईयर ओल्ड कौन होगा बताओ बेटा। अब देखो, इसमें आपने तीन ऑप्शन मैच कर लिए, लास्ट वाला ऑप्शन यंग चाइल्ड, यंग चाइल्ड की तो होगी सिक्स ईयर, भाई बेबी
ना तो बर्ड की होगी ना प्लांट की होगी, क्योंकि ईयर किसमें होते हैं, जो ह्यूमन विंग्स होते हैं उनमें ही होते हैं ना, तो यंग बेबी में या यंग बॉय में। तो 4 का आंसर क्या होगा, सी। समझ में आ गया बेटा, गॉट इट? आपको ये पूरा चैप्टर करवा दिया, क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर ई। आपका फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया, ग्रोइंग अप। उसका सारे हार्ड वर्ड्स भी हो गए, सारे क्वेश्चंस भी हो गए। आपको ये कॉपी में पहले चैप्टर का नाम, डेट, होमवर्क, होमवर्क मेंशन जरूर करेंगे, क्योंकि मैम को पता होना चाहिए कि आपने होमवर्क किया है या नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ए जैसे मैम ने डाला है, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर डी और क्वेश्चन नंबर ई। आप डायरेक्ट मत करना, आपकी बुक है ना आपके पास अवेलेबल, तो आप बुक से पूरे स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर उसके आंसर लिखेंगे जैसा बुक में लिखा। ओके, गॉट इट? अब हम नेक्स्ट चैप्टर, फर्स्ट यूनिट में 3 चैप्टर हैं आपके, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर था हाउ, बॉडी वाला था कि हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है। सेकंड था ग्रोइंग अप और थर्ड है हमारा कीपिंग क्लीन, ठीक है, हम कैसे अपनी साफ सफाई रख सकते हैं, इसके बारे में आज हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। लिसन केयरफुली, अब मैंने आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट करवा दिया बेटा, अब आपका थर्ड चैप्टर है आपकी बुक में, पेज नंबर है आपकी बुक में 13, है ना, 1313। आपका चैप्टर है 3, कीपिंग क्लीन, यानी साफ सुरक्षा, साफ सफाई हम कैसे करेंगे, अपने को कैसे साफ सुथरा रखेंगे, आज हम उसके बारे में इस चैप्टर के थ्रू पढ़ेंगे कि हम अपनी बॉडी की, हम अपनी बॉडी के हर एक पार्ट की और अपने अंदर कैसे गुड हैबिट्स लाएंगे, क्या क्या चीजें हम अपनाएंगे, तो उससे हमारी बॉडी क्लीन रहेगी और हम कभी भी बीमार नहीं होंगे, अनवेल नहीं होंगे। ओके, अब हम पढ़ेंगे कीपिंग क्लीन। उससे पहले हम हार्ड वर्ड पढ़ लेते हैं, क्यों, क्योंकि जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं उससे पहले हमें जो हार्ड चीजें होती है ना वो हमें इजी बना लेनी चाहिए, बनाती है ना मैम हार्ड वर्क कराती है, क्यों, क्योंकि जिससे आपको ये चैप्टर है ना अच्छे से समझ में आ जाएगा, अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, अच्छे से उसके मीनिंग समझ में आ जाएंगे आपको। ओके, तो पहले आप मैम के साथ लेस बोर्ड, बोर्ड पर चलेंगे, लेस गो टू बोर्ड, आपको मैम हार्ड वर्क कराएंगी, आप अपनी कॉपी खोलेंगे, कॉपी में पहले हार्ड वर्क मेंशन करेंगे, चैप्टर का नाम मेंशन करेंगे, चैप्टर डालेंगे कि कौन सा चैप्टर है आपका, सेकंड है या थर्ड है, उसके बाद हार्ड वर्क, उसके बाद अपन चैप्टर डालेंगे। ओके, ठीक है, लेट्स। फर्स्ट है हेल्दी, क्योंकि सबसे पहला हमने क्यों लिया हेल्दी, क्योंकि हम अपने कीपिंग क्लीन, इसका मतलब होता है साफ सफाई। अब साफ सफाई रखेंगे तो हम सबसे पहले साफ सफाई रखने के बाद हमारा शरीर, हमारा बॉडी हमारी कैसी रहेगी, हेल्दी रहेगी, तो इसलिए मैंने सबसे पहले क्या लिया, हेल्दी, हार्डवर्ड लिखूंगा, हार्डवर्ड ऊपर पहले हार्डवर्ड डालना बेटा, जैसे आप हमेशा करते हो ना चैप्टर से पहले हार्डवर्ड्स, तो आपको हार्डवर्ड्स लिखना है पहले, फिर लिखेंगे हेल्दी, HELTHY, आपको बोल के लिखना है, क्योंकि ये जब आपको बोलना आ जाएंगे ना सारे वर्ड, तभी आपको अच्छे से रीडिंग कर पाओगे या आएगी। ओके, हेल्दी, हेल्दी मीन स्वस्थ। हेल्दी मीन स्वस्थ। सेकंड है कीप, कीप मीन्स होता है रखना, कीप मीन्स रखना। थर्ड है आपका क्लीन, CLEAN, clean, clean means साफ या सफाई, सफाई है ना, दोनों भी बोल सकते हैं आप। समझ में आ रहा है बेटा, फर्स्ट है हेल्दी, सेकंड है कीप और थर्ड है क्लीन, और फर्स्ट लेटर हमेशा आपको कैपिटल ही लिखने हैं, जैसे मैम लिख रही है ना वैसे आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल ही लिखने हैं। नेक्स्ट कट, CUT, कट, कट मीन्स काटना, अभी आपको इनके मीन्स पता लगेंगे कहाँ इनका यूज हुआ है, नेल्स, NAILS, नेल्स, नेल्स मीन्स नाखून, आप सबके फिंगर्स पे नाखून है ना, आपके हैंड में फिंगर है उनके ऊपर। वीक, वीक मीन्स सप्ताह, आपको भी पता है कि कितने डे से सप्ताह बनता है, पता है ना। मील, MEALS, मील, मील्स माने खाना या भोजन। ओके, हम खाने को भी बोल सकते हैं, भोजन को भी बोल सकते हैं मील। नेक्स्ट है टेक, TAKE, टेक, टेक मीन्स लेना, आप किसी से भी चीज लेते हो ना तो बोलते हो ना टेक, बोलते हो ना टेक इट। प्रॉपर, प्रॉपर मीन्स सही तरीके से, PROPER, प्रॉपर, मैम कहती है ना प्रॉपरली वर्क करो बेटा, प्रॉपरली सिट डाउन, प्रॉपरली जो भी चीज किसी चीज के लिए कहती है, सही तरीका। केयर, केयर मीन्स सुरक्षा, ये हमने ग्रोइंग अप में भी पढ़ा था ये वाला वर्ड, केयर, केयर मीन्स सुरक्षा। अर्ली, अर्ली मीन्स जल्दी, EARLY, अर्ली।
अर्ली मीन्स जल्दी, ठीक है। अब ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स होता है टू बार, जैसे हम बोलते हैं ना कोई चीज हमें दो बार करनी होती है, तो ट्वाइस, ट्वाइस माने दो बार। डे, डे तो सबको ही पता है, डे मीन्स दिन होता है, सबको पता है ना बेटा। ओके, अब रेगुलर, रेगुलर मीन्स होता है प्रतिदिन, आप स्कूल आते हो ना रेगुलर, डेली आते हो ना, प्रतिदिन। अब है वियर, डब्ल्यू ई आर वियर, जैसे आप कपड़े यूनिफॉर्म वियर करते हो, पहनते हो ना, वियर मीन्स पहनना, आप कहीं जाते हो तो आप न्यू न्यू ड्रेस वियर करते हो। ओके, नीट, नीट माने साफ। स्पिट, स्पिट माने थूकना। अभी इनके सबके मीन्स पढ़ते पड़ेंगे कि कहां पर इनका यूज हो रहा है, ओके बेटा, इसलिए हमें पहले इनको हार्ड वर्ड्स को अच्छे से करना है। लिख, एल आई सी के लिख, लिख माने चाटना या चाटनी। ये मैंने इसलिए लिखवाया है क्योंकि इसका मीन्स भी पता होना चाहिए आपको कि इसका यूज हम फिर किस चीज के लिए और कहाँ करेंगे। ओके, अब एक बार मैम वापस इसको रीड करती है, आप इसको रीड करेंगे मैम के साथ, फिर हम चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे, क्यों, ये हमको याद हो जाएंगे, फिर हम चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप हार्डवर्ड डालेंगे चैप्टर का नाम, अब मैं आपको एक बार रिवाइज वापस करा देती हूँ। ओके बच्चे, देखो एच ई ए एल टी एच वाई, हेल्दी, हेल्दी मीन्स स्वस्थ, हेल्दी मीन्स स्वस्थ। सेकेंड के डबल ई पी, कीप, कीप मीन्स रखना। ओके, सी एल ई ए एन, क्लीन, क्लीन माने साफ या सफाई रखना या साफ करना, है ना। सी यू टी, कट, कट मीन्स काटना, जो आपको पता है ये कट किसी भी चीज के लिए हम कट यूज करते हैं। नेल्स, एन ए आई एल एस, नेल्स, नेल्स मीन्स नाखून, जो हमारे एंड की फिंगर पे होते हैं नाखून। डब्ल्यू डबल ई के, वीक, वीक माने सप्ताह, जो डे से मिलके बनता है, बनता है ना, सेवन डेज का एक वीक होता है। एम ई ए एल एस, मील, मील माने भोजन, जो हम खाना खाते हैं ना वो होता है मील। ओके, टी ए के ई, टेक, टेक मीन्स लेना। ओके, जब हम किसी चीज लेते हैं तो क्या बोलते हैं हम उसको, टेक। पी आर ओ पी ई आर, प्रॉपर, प्रॉपर मीन्स सही तरीके से, जैसे मैम आपसे बोलती है सिट प्रॉपर, स्टैंड प्रॉपर, राइट प्रॉपर, गो प्रॉपरली, बोलती है ना मैम आपको, तो प्रॉपर मीन्स सही तरीका। ओके, सी ए आर ई, केयर, केयर मीन्स सुरक्षा, जैसे आपके मदर, आपके पेरेंट्स, मदर फादर आपकी टेक केयर करते हैं ना, सुरक्षा करते हैं ना। टी डब्ल्यू आई सी, सॉरी ई ए आर एल वाई, अर्ली, अर्ली मीन्स जल्दी। टी डब्ल्यू आई सी ई, ट्वाइस, ट्वाइस माने दो बार, हम कोई वर्क जब हम एक से ज्यादा करते हैं, एक से ज्यादा बार करते हैं, उसको ट्वाइस बोलते हैं। डी ए वाई, डे, डे माने दिन, जो हमारा दिन होता है ना। R E G U L A R, regular, regular माने प्रतिदिन, जैसे आप स्कूल डेली आते हो, रेगुलर आते हो ना। W E A R, wear, wear माने पहनना, हम जब स्कूल जाते हैं तो यूनिफॉर्म पहनते हैं, जब हम कोई हमारा बर्थडे पार्टी वगैरह या कोई ओकेजन होता है तो न्यू न्यू ड्रेस वियर करते हैं ना, तो वियर मीन्स पहनना। ओके, N E A T, नीट, नीट मीन्स साफ, साफ रखना, जैसे मैम कहती थी अपनी टेबल को नीट रखो, नीटली करो, क्लीन करो, बोलती है ना, तो नीट माने साफ, जब आप वर्क करते हो बेटा नीटली वर्क करो, सुंदर सुंदर वर्क करो, बोलती है ना मैम, तो नीट माने साफ। एस पी आई टी, स्पिट, स्पिट माने होता है, स्पिट माने थूकना, जैसे कई लोग है ना जिनको कफिंग हो जाती है या कुछ, कोई भी कुछ खाता है तो उसको थूक देते है ना इधर उधर, तो कफिंग, वो स्पिट माने होता है थूकना। ओके, एल आई सी के लिख, लिख माने होता है चाटना या चाटनी, अब हम चैप्टर में पढ़ेंगे तब इसका हमें मींस पता लग जाए चाटना, क्योंकि इसका मींस चैप्टर में बताया गया कि लिख मन, लिख किसको कर रहा है बच्चा, किसको स्टूडेंट कर रहा है, या इस चैप्टर में किसके लिए ये लिख का यूज हुआ है। अब हमने ये हार्ड वर्ड पढ़ लिए सारे, इनके हमें मींस भी पता लग गए, अब हम बच्चों, चिल्ड्रन, अब हम चैप्टर रीड करेंगे, अब आपको देख लो चैप्टर तुरंत मैम के साथ साथ ही समझ में आ जाएगा। ओके, अब लेट गो टू चैप्टर एंड पेज नंबर 13, आपके चैप्टर का नाम कीपिंग क्लीन, यानी साफ सफाई रखना, कैसे रखेंगे अब वो हम पढ़ेंगे। ओके, लुक एट, मैम के साथ साथ बोलेंगे बेटा बुक ओपन करो, टू स्टे हेल्दी, हमें हेल्दी कैसे रहेंगे, इट इज एसेंशियल टू हैव गुड फूड एंड कीप अवर हेल्दी क्लीन। अब देखो हमें हेल्दी रहने के लिए क्या क्या करना पड़ता है,
टू एसेंशियल मतलब जरूरी है हमारे लिए, बहुत आवश्यक है, गुड फूड, अच्छा खाना। जब हम अच्छा खाना खाएंगे, एक संतुलित भोजन करेंगे, जब भी तो हम स्वस्थ रहेंगे। हमने सॉस से खा लिया, हमने जैम से खाना खा लिया, क्या हम हेल्दी रहेंगे? नो, हमें वेजिटेबल भी खाने चाहिए, हमें राइस भी खाने चाहिए, मम्मा ने कर्ड दे दिया दही वो भी खाना चाहिए। तो एक हेल्दी फूड लेने के लिए हमें सारी क्वांटिटी अपनी प्ले मतलब जो मम्मा देती है ना, वो थोड़ा थोड़ा सारी सब्जी, सारी वेजिटेबल्स, दही, कर्ड, जो आप छाछ पीते हो, कई बच्चे छाछ भी लेते हैं, वो कर्ड कर्ड को ही अपन बनाते हैं ना, पतला सा बना लेते हो तो वो छाछ बन जाती है। तो ये सारी चीजें हमें एक हेल्दी फूड के लिए जरूरी है कि हम हर चीज खाएं, ये नहीं कि वेजिटेबल नहीं खाएं, हम दही भी नहीं खाएं, कर्ड चपाती भी नहीं खाएं, कई लोग कई बच्चे मैगी ही खाते हैं। नो, हमें एक हेल्दी रहने के लिए, एक अच्छे मतलब अपनी लाइफ को हेल्दी बनाने के लिए अपना संतुलित यानी हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी। ओके, समझ में आया? और जब हम हेल्दी डाइट लेंगे तो हम कैसे रहेंगे? हेल्दी रहेंगे। और जब हेल्दी रहेंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, हम सिक नहीं पड़ेंगे, ओके, अनवेल भी नहीं होंगे। समझ में आया? तो गुड फूड एंड कीप अवर बॉडी क्लीन, हमें हेल्दी डाइट लेनी चाहिए और अपनी बॉडी को हमें कैसा रखना चाहिए? क्लीन रखना चाहिए। अब क्लीन कैसे रखेंगे वो देखो हम यहाँ पढ़ेंगे। आपको लुक एट दिस पिक्चर, आपको पिक्चर में दिख रहा है कि एक बेबी क्या कर रहा है? सो के उठ रहा है, सेकंड ब्रश कर रहा है, फिर वॉश योर हैंड कर रहा है, फिर और क्या कर रहे हैं? नेल्स को कट कर रहे हैं। अब हम ये रीड करेंगे इसमें। समझ में आया बेटा? गॉट इट? लुक एट, वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर बॉडी टू रिमेन फिट एंड हेल्दी। एक बार वापस रिपीट करेंगी मैम। वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो कह रहा है कि हमें गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब सुबह जल्दी उठना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सो रहे हैं 10-10 बजे तक। नो, हमें जल्दी उठना चाहिए, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी है, ठीक है? अभी अपन ने पढ़ा ना, देखो अर्ली मीन्स क्या होता है? जल्दी, और गेट अप माने उठना, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग बोलते हैं सुबह को, ठीक है? वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ अवर बॉडी टू रिमेन फिट एंड हेल्दी, और हमें अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, अपनी बॉडी को सबसे ज्यादा फिट रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उठ के हमें एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, और हमें डेली रूटीन में बनाना चाहिए कि हम जल्दी उठें, जिससे हमारी बॉडी कैसी रहेगी? प्रॉपर उसकी हम टेक केयर कर सकेंगे और हमारी बॉडी फिट रहेगी, हेल्दी रहेगी। अगर हम आलस करते रहेंगे, लेट लेट उठेंगे, तो हमारी बॉडी लेजी हो जाएगी। ओके, तो आपको समझ में आएगा कि हमें अपनी बॉडी की, हमें अपने शरीर की टेक केयर प्रॉपर तरीके यानी सही तरीके से करनी चाहिए। अब सेकंड, ब्रश योर टीथ प्रॉपरली एवरी डे, हमें ब्रश करना चाहिए प्रॉपर यानी सही तरीके से। टीथ मतलब दांत, हमारे दांतों के ऊपर, ब्रश दांतों के ऊपर ही तो करते हैं हम, ठीक है? वी शुड ब्रश ट्वाइस अ डे, हमें ब्रश को एक दिन में 2 टाइम करनी चाहिए, एक तो मॉर्निंग जब हम उठते हैं ना, और एक जब हम सोने जाते हैं उससे पहले करते हैं ना। मम्मा कहती है ना, बेटा ब्रश 2 टाइम करो, मैम भी बताती है, बेटा ब्रश कितनी, चिल्ड्रन ब्रश कितनी टाइम करोगे बेटा? मैम 2 टाइम, कब? इन द मॉर्निंग, आफ्टर करते ना, मॉर्निंग जब आप उठते हो और जब आप सोते हो उससे पहले, 2 टाइम, ट्वाइस माने 2 बार, जैसे हमने यहाँ पर अभी पढ़ा, ट्वाइस मीन्स 2 बार, ठीक है? अब थर्ड, वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग मील, अब वो कह रहा है कि वॉश योर हैंड, हमें वॉश करनी चाहिए अपने हैंड, कब? जब हम मील, मील माने भोजन, देखो अभी हमने यहाँ पढ़ा था मील मीन्स खाना या भोजन, हमें खाना खाने से पहले और बाद में हमें क्या करना चाहिए बेटा? वॉश योर हैंड करनी चाहिए ना। जब हम हैंड वॉश करेंगे तो हमारे जो जर्म्स है ना वो कैसे हो जाएंगे? किल हो जाएंगे, मर जाएंगे, और हम जब हम खाना खाएंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, क्योंकि जर्म्स ही नहीं आएंगे हमारे अंदर। तो हमें अपने हैंड वॉश करने चाहिए ईटिंग मील, खाने से पहले और खाने के बाद में, ओके? कट द नेल्स वंस इन अ वीक, कीप देम क्लीन, हमें कट करने चाहिए हमारी ये नेल्स है ना, जब हमारे नेल्स बड़े बड़े होंगे, इनके अंदर गंदी गंदगी होगी, आपने देखा है ना नाखून के अंदर ब्लैक ब्लैक हो जाता है, तो अगर ये हम अपने मुंह ऐसे मुंह में ले लेते हैं अपने नेल्स को, अपनी फिंगर्स को, तो ये हमारी जो गंदगी होती है ना, जो डर्टी चीज होती है, वो हमारे माउथ में चली जाती है, और उससे हम क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। तो हमें अपने नेल्स से ना वीक में, वीक माने सप्ताह, जो किससे मिलके बनता है? 7 दिन से, 7 दिन होते हैं ना आपके, संडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, होते हैं ना 7 डेज का एक वीक, तो उन 7 दिन के अंदर कोई एक डे बना लो कि मैम मम्मा हमें सैटरडे को या संडे को मम्मा हमारे नेल्स कट करनी है आपको,
तो हर संडे संडे या हर सैटरडे सैटरडे जिस डे में आपने नेल्स कट कर गए, अगले नेक्स्ट डे उसी उसी वीक के नेक्स्ट जो आएगा डे उसमें आपको नेल्स कट करने हैं, है ना, कितने वीक में, एक बार। ओके नेक्स्ट टर्न योर पेज, पेज नंबर 12, पेज नंबर 14 सॉरी। डू सम एक्सरसाइज डेली बिकॉज रेगुलर एक्सरसाइज कीप अवर बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। अब देखो जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, तो अब जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मूवमेंट है ना देखो ऐसे ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो हमारी जो बॉडी है ना एक्सरसाइज करने से कैसी होती है, कीप अस, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करती है तो हमारी बॉडी कैसे हो जाती है, हेल्दी। हम अपने आप को कैसा महसूस करते हैं, अच्छा गुड गुड फील करते हैं, हमारी बॉडी के हर एक पार्ट मूव करता है तो हम लेजी भी नहीं होंगे, और एक्सरसाइज करने से हम क्या होगा, हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी और हम तुरंत ऐसे मूव इधर मूव ऐसे कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम अपनी बॉडी को एक्सरसाइज करते हैं। ओके तो जो एक्सरसाइज है ना वो हमें रेगुलर रखनी चाहिए जिससे हमारी बॉडी हेल्दी और स्ट्रांग रहे। वी टेक बाथ डेली, हमें डेली नहाना चाहिए। टेक बाथ करते हैं ना, हम नहाते हैं शॉवर के नीचे, चाहे आप जो बकेट होती है उसमें मग से नहाते हैं पानी डालकर। आफ्टर टेकिंग बाथ वी ड्राई अवर बॉडी यूजिंग अ क्लीन टॉवल। हम नहाते हैं, नहाने के बाद हम, ये तो है नहीं कि नहाए और हमने कपड़े पहन लिए, नो, नहाने के बाद क्या करते हैं, हम टॉवल से ऐसे पोंछते हैं, अपनी टॉवल से पोंछते हैं ना ऐसे करके कि हमारी बॉडी पूरी ड्राई ड्राई हो जाए, सूख जाए। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, पाउडर वाउडर लगाते हैं, फिर अपने कपड़े पहनते हैं, वियर करते हैं ना हम यूनिफॉर्म अगर हम स्कूल जाते हैं, और अगर घर में होते हैं तो कपड़े पहनते हैं। फिर तो हमें क्या करना चाहिए, आफ्टर टेक नहाने के बाद हमें अपनी टॉवल से अपनी बॉडी को ड्राई करना चाहिए, सुखा लेना चाहिए, पोंछ लेना चाहिए, ठीक है। ऑलवेज Use your own towel and should never share it. और देखो ये बहुत ही important जो line है ना, इसको बिल्कुल ध्यान से रख सुनना। हमें कभी भी किसी की towel, किसी के handkerchief माने रूमाल, कभी किसी का भी use नहीं करना चाहिए। हमें अपनी अपनी अलग से एक towel, कि मम्मा ये towel मेरी है, मैं अपनी towel से ही पहुँचूंगा, हमें किसी दूसरे की towel से नहीं पहुँचना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर उसकी स्किन में कोई प्रॉब्लम होगी तो जब आपने उसकी टॉवल को शेयर किया ना तो वो आपके भी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। कोई भी कुछ भी, चाहे आपकी उसकी बॉडी में दाने हो या उसकी बॉडी में स्मेल आ रही हो, तो वो आप उसकी टॉवल को यूज करोगे तो आपके भी हो जाएगा। इसलिए हमें अपनी टॉवल है ना जिससे हम पोंछते अपनी स्किन को ड्राई करते हैं, कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। ओके गॉट इट। नेक्स्ट, वियर नीट एंड क्लीन क्लॉथ, और हमें बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। भाई गंदे कपड़े पहनेंगे तो नहाने का कोई मतलब ही नहीं हुआ, हुआ क्या, हम नहाएंगे फिर हमने ये पुराने कपड़े ही पहन लिए तो उसमें से स्मेल आएगी गंदी गंदी, तो हम नहाने के बाद फ्रेश हो जाते हैं, तो हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, बिल्कुल क्लीन क्लीन साफ साफ। नहाने के बाद जो उतारे उतारते हो नहाने से पहले कपड़े, उनको वियर नहीं करना है, हमें साफ कपड़े पहनना है, नीट एंड क्लीन क्लॉथ। ओके नेक्स्ट, कॉम योर हेयर प्रॉपरली, दिस गिवन अस अ नीट एंड टाइडी लुक। अब देखो ना भी लिए हम, हमने अपने आप को शेव भी कर लिया, पोंछ भी लिया, आपको ड्राई कर लिया, अब उसके बाद क्या करेंगे, हम अपने बालों को बनाएंगे। भाई ये तो नहीं बालों को हमने ऐसे ही छोड़ दिया, हम अच्छे से बालों को कॉम करेंगे मिरर में देख के कि हमारे अच्छे से हेयर बन गए, क्योंकि हम स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि हम घर में भी अगर रह रहे हैं तो हम हमारे जो पेरेंट्स हैं वो कहेंगे बेटा आपने बाल नहीं बनाए, आपने अपने बालों को कैसा कर रखा है। तो नहाने के बाद हमें अपने बालों को अच्छे से कॉम करना चाहिए। ओके नेक्स्ट, उससे हमारा लुक कैसा लगता है, बिल्कुल नीट और टाइडी सुंदर लगते हैं हम जब हमारे बालों को हम बना लेते हैं। दिस इज गुड फॉर आवर हेल्थ, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, जब हम स्कूल, अब स्कूल चले गए भाई, हम ना भी लिए बच्चों, हम नहाने के बाद हमने अपनी स्किन भी ड्राई कर ली, हमने अपनी टॉवल से हम कॉम्ब भी कर लिए, हमने वियर भी कर लिए अपने यूनिफॉर्म, अब हम स्कूल चले गए। उसके बाद जब स्कूल से वापस आए, आफ्टर गोइंग टू स्कूल, जब हम स्कूल से वापस आए, वी कीप अवर बैग, वाटर बोतल, लंच बॉक्स ईटीसी एट देयर राइट प्लेस, टेक ऑफ अवर यूनिफॉर्म एंड पुट ऑन कैजुअल ड्रेस। अब देखो, अब मम्मा ने आपको स्कूल भेज दिया अच्छे से नीट एंड क्लीन बना के, आप स्कूल गए, आपने स्टडी भी कर ली, आप वापस स्कूल से घर आए, फिर आप क्या करोगे, आपने अपनी यूनिफॉर्म को उतारा और कहाँ रखेंगे, प्रॉपर प्लेस पर, जहाँ पर मम्मा हमेशा यूनिफॉर्म रखती है, जहाँ पर हैंग करती है मम्मा यूनिफॉर्म, वहाँ पर अपने बैग को, अपनी वाटर बोतल को, जैसे सिंक में अपनी वाटर बोतल और लंच बॉक्स रखते हैं तो आपको वहाँ रखना चाहिए, अपना बैग अलमेरा के अंदर रखना चाहिए, हमें अपनी यूनिफॉर्म हैंग करनी चाहिए प्रॉपर, जहाँ हमेशा मम्मा करती है वहाँ पर आपको हैंग कर दी, क्योंकि अगर आप ऐसे ही फेंक दोगे तो आपकी यूनिफॉर्म गंदी हो जाएगी,
कल आपको ढंग से मिलेगी भी नहीं, ना आपको यूनिफॉर्म मिलेगी ना आपको, फिर आप पूछते रहोगे मम्मा मेरी यूनिफॉर्म कहाँ है। तो हमें अपनी हर एक चीज प्रॉपर प्लेस पर रखनी चाहिए। शूज कहाँ रखते हैं? शूज रैक में रखते हैं, तो हमें शूज रैक में ही रखनी है अपने शूज। यूनिफॉर्म हैंग करनी है। ओके गॉट इट? सबको समझ में आ रहा है बेटा? ओके नेक्स्ट, वी टेक अवर ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर डेली एट द फिक्स टाइम। अब देखो, अब ये क्या कह रहा है, वी टेक अवर ब्रेकफास्ट, हमें ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट हमारे थ्री टाइम हम मील लेते हैं। एक होता है ब्रेकफास्ट, दूसरा होता है लंच और थर्ड होता है डिनर। अब ब्रेकफास्ट कब लेते हैं हम? इन द मॉर्निंग। ओके, लंच आफ्टरनून और डिनर नाइट, ये थ्री टाइम लेते हैं हम। क्या लेते हैं? अपना जो फूड होता है ना, मील जो हम खाना खाते हैं उनके हमने थ्री। अब हमें हमेशा अपनी चीजों को, हमेशा खाने का जो टाइम है ना वो फिक्स टाइम पर मतलब रखना चाहिए। जैसे हमें ब्रेकफास्ट सुबह करना है तो हम सुबह ही करेंगे, ये नहीं कि हमने सुबह कुछ भी नहीं खाया और हम लंच में ही खा रहे हैं। नो बेटा, क्योंकि जब आप अपने खाने का ध्यान रखोगे, अपनी प्रॉपर चीज मतलब तरीके से खाओगे, तरीके से अपनी डाइट का ध्यान रखोगे, तभी तो आप ग्रो करोगे। हमने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना हमने कि अपने आप को ग्रो कैसे करते हैं, भाई फूड खाएंगे, मिल्क पियेंगे, अपना अपने खाने का ध्यान रखेंगे, तभी तो हम अपने आप को ग्रो करेंगे। हेल्दी कैसे बनेंगे, अपने आप को ग्रो कैसे करेंगे? एक हेल्दी डाइट से। और वो कब लेंगे? कि जब हम ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट पे करेंगे, लंच लंच में करेंगे और डिनर रात में करेंगे। समझ में आ गया बेटा? लंच दोपहर, आफ्टरनून माने दोपहर में, और ब्रेकफास्ट माने सुबह जब आप स्कूल आते हो। चाहे आप कुछ भी खाकर आओ पर आपको खाकर ही आना होता है, ठीक है? ये आप ध्यान रखोगे तो आप अपनी आप को जल्दी से अपने भैया दीदी के बराबर ग्रो करोगे। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट, अब देखो इसमें आपको दिख रहा है, लुक एट पिक्चर, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। ये देखो गर्ल है, पहले ब्लैक ब्रेकफास्ट कर रही है, उसके लंच कर रही है, उसके बाद डिनर। ओके, ब्रेकफास्ट हमेशा मॉर्निंग में करते हैं, लंच आफ्टरनून यानी दोपहर में, और डिनर यानी रात में। ओके, रात के भोजन को हम डिनर बोलते हैं। ओके, अब थिंग टू रिमेम्बर, जो हमेशा याद रखने की चीज है, हमेशा याद रखना ही है ये तो हमें। ओके, मैम आपको रीड आउट करेगी, आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे, फिर आप भी रीड करना है। डू नॉट बाइट योर नेल्स, हमें अपने जो नेल्स होते हैं ना, नेल्स, ये कई बच्चे देखा होगा, कई चिल्ड्रन होते हैं बॉय गर्ल ऐसे अपने नाखूनों को बाइट करते रहते हैं। नो, हमें बाइट नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर जो नेल होता है, जर्म्स होते हैं ना, वो हमारे माउथ में चले जाएंगे और हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, फिर डॉक्टर अंकल के जाना पड़ेगा। तो आपको बीमार होना है क्या? नो मैम, तो हम इसको बाइट नहीं करेंगे ना, सिर्फ कट करेंगे। कब? वंस अ वीक, एक वीक, वीक में एक बार। ओके, वीक में। सेकेंड, डू नॉट पुट फिंगर इन योर नोज, हमें अपनी नोज है ना, हमारी ये नोज जैसे हम स्मेल करते हैं, उसमें हमें अपनी फिंगर को नहीं देना चाहिए, क्योंकि नोज में भी जर्म्स होते हैं ना, और अपनी फिंगर को लगे करेंगे हम तो हमारे वो जर्म्स है ना फिंगर के थ्रू हमारे हाथ में आ जाएंगे, और हम कहीं भी टच करते रहेंगे तो हमारे जर्म्स लग जाएंगे। तो हमें अपनी फिंगर को नोज में नहीं देना चाहिए। ओके गॉट इट? डू नॉट स्पिट, स्पिट माने थूकना, अभी हमने पढ़ा था ना, स्पिट मीन्स क्या होता है? थूकना। स्पिट मीन्स क्या होता है बेटा? थूकना। Do not spit on the floor. Floor होता है फर्श, जो फर्श होता है जिसपे आप बैठते हो, आप कोई भी वर्क करते हो, खड़े हो, जैसे मैम खड़ी है अभी फर्श के ऊपर, तो फर्श को क्या बोलते हैं? फ्लोर। Do not lick your finger. अब हमें जो फर्श है ना इसके ऊपर कहीं भी ऐसे ऐसे थूकना नहीं चाहिए। तो कई छोटे बच्चे होते हैं ना, आपसे छोटे भी होंगे, आप तो समझदार हो गए क्योंकि अब आप सेकंड क्लास में आ गए हो, आपने थोड़े से अपने आप को ग्रो कर लिया है, पर आपसे जो छोटे स्मॉल जो आपके भाई बहन है, ब्रदर सिस्टर, वो क्या करते हैं कई बार थूक देते हैं ऐसे फर्श के ऊपर। स्पिट माने थूकना पड़ा था ना हमने, तो उनको आपको रोकना है कि भैया दीदी वो छोटा बेबी जो उनके नाम होते हैं ना कोई भी, जैसे राहुल रीना जो भी नाम है, आपको यहाँ नहीं थूकना है। आप कहाँ जाएंगे? बाथरूम के वॉश मशीन में, जैसे ये वॉश मशीन बना होता है ना जहाँ पर आप नहाते हैं ऐसे वॉश मशीन, इसके अंदर आपको स्पिटिंग करनी है। ओके, आपको फ्लोर पर नहीं थूकना है। ओके, और डू नॉट लिक योर फिंगर, लिक माने चाटना, अपनी फिंगर को कई बच्चे ऐसे मुंह से चाटते हैं ना, ऐसे हमें चाटना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे हैंड से ना कहीं भी देखो हमने यहाँ टच कर दिया, यहाँ टच कर लिया, यहाँ टच कर दिया, तो हमारे जम्स भी आ जाएंगे ना, तो हम अगर चाटेंगे तो हमारे माउथ में जम्स चले जाएंगे, तो हमें अपनी फिंगर को लिक नहीं करना है। ओके, अभी हमने यहाँ पढ़ा था ना लिक माने चाटना या, ठीक है, अपनी फिंगर को लिक नहीं करना है। कीप योर रूम टाइडी और क्लीन, अब हम जहाँ रहते हैं ना, अब जैसे मैं यहाँ आपको स्टडी करा रही हूँ ना, तो इस रूम को क्लीन और टाइडी रखेंगे तभी तो हम यहाँ पर कैसे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और अपने आप को क्लीन रख पाएंगे। अगर यहाँ गंदगी होगी आपके रूम में, जहाँ आप बैठे हो, यहाँ आप सिट कर रहे हो या स्लीपिंग कर रहे हो, अगर हम अपने रूम को गंदा करेंगे या आप
आपका क्लासरूम है, सपोज करो आपका क्लासरूम ही मान लो, आप अपने क्लासरूम को गंदा करोगे और आप वहां पर बैठ के स्टडी कर रहे हो, तो आपके पास छोटे छोटे मॉस्किटोज आएंगे आएंगे ना, और वो आपको बाइट कर जाएंगे, फिर आप बीमार हो जाओगे, डेंगू हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है एक्स वाई जेड। तो आपको अपने जो रूम है ना जहाँ पर आप बैठते हो, जहाँ पर आप रहते हो, उसको हमें बिल्कुल टाइडी एंड नीट एंड क्लीन रखना है। ओके गॉट इट? आपको चैप्टर समझ में आया बेटा? इसका मतलब समझ में आया कि हमें एक हेल्दी रहने के लिए या अपनी अपने आप को क्लीन रखने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, फिर ब्रश योर टीथ एक आफ्टर मील, आफ्टर बिफोर एंड आफ्टर, ओके है, वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर, एक्सरसाइज डू एक्सरसाइज, हमें डेली एक्सरसाइज करनी, टेक क्या करना चाहिए, टेक अ बाथ, कॉम योर हेयर, भाई हमें जो हमारी रेगुलर चीजें है ना वो हमें डेली करनी चाहिए, हमें डेली नहाना चाहिए। कई छोटे चिल्ड्रन होते हैं वो एक दिन नहाते एक दिन नहीं नहाते, नो हमें डेली नहा, अगर आपको ठंड लगती है तो गर्म पानी से नहा लो, अगर आपको गर्मी लगती है तो आप ठंडे से नहाते ही हो, पर हमें डेली नहाना चाहिए, क्योंकि जब हम नहाते हैं ना तो हमारे जितने बैक्टीरिया होते हैं वो सारे बाहर निकल जाते हैं, और इस तरह हम अपने बॉडी को क्लीन रखते हैं। आपका ये चैप्टर है कीपिंग क्लीन, आपका थर्ड चैप्टर क्लोज हो गया। अब आपके इसके क्वेश्चन आंसर है और जो हार्ड वर्ड है वो मैंने करा दिया आपको, आपको कॉपी में करने हैं, आपको चैप्टर का नाम करना है, अब इसके बाद में नेक्स्ट जो भी है उसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। लिसन केयरफुली, मैंने आपको देखो चैप्टर अच्छे से रीड आउट करा दिया, हार्ड वर्ड भी समझा दिए, इसके मीन्स भी समझा दिए, आई थिंक आपको समझ में आ गया बेटा? यस ना मैम, समझ में आ गया? आपको फिर भी ना आए तो आप इसको अच्छे से रीड करना, फिर आप चैप्टर को रीड करना, और चैप्टर को आपको टू टाइम रीड करना है, क्योंकि इसके मीनिंग से याद होने चाहिए ना बेटा, क्योंकि जब मीनिंग याद होगी जब हम चैप्टर पढ़ पाएंगे, तो आप ये दो टू टाइम पढ़ना, फिर चैप्टर पढ़ना, और उसके चैप्टर के जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू पहले आप खुद सॉल्व करना, क्योंकि अब आप थोड़े बड़े हो रहे हैं ना, आपका भी ब्रेन होता है, वो ब्रेन को और हमें बड़ा बनाना है ना, तो कैसे बनाएंगे, हम चैप्टर को पढ़ेंगे, चैप्टर के अंदर से हम फिल इन द ब्लैंक्स जो आपको आ रहे हैं वो करना, फिर जो नहीं आएंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सारे क्वेश्चन कराऊंगी, जो आपके सही हो वो तो ठीक है, और जिनके गलत आंसर हो उनको आप मैम से करेक्शन करके वापस सही कर लेना। ओके थैंक यू।